देखिए आपका एविडेंस के जो सेक्शन बताया जा रहा था वह 11 बताया जा रहा था, फिर एक बार हम दोहरा देते हैं 11 को 2-4 मिनट, जितना कल बताया गया था उसको एक बार दोहरा दिया जाए, क्योंकि इंटरव्यू में और प्री में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और आपका समस्या देकर भी बनता है, और उसको भी हमें बताना है कि कौन सी समस्या पूछी जाती है। उसके बाद आपका प्ली आप एल बी देखना है, यानी कि अन्यत्र होने का विभाग भी डिटेल में देखना है और उस पर एलेस्टेशन भी। देखिए जहाँ तक एविडेंस की धारा 11, जहाँ तक एविडेंस की धारा 11 की बात है, शुरुआती दौर में कल आपको कुछ सामान्य बातें बताई गई थी और कोरिलेशन भी किया गया था। इन सामान्य बातों को निश्चित रूप से तैयार रखना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। देखिए फिर एक बार आपका बताया जाए, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रेलेवेंसी के बारे में या सुसंगतता के बारे में अवशेषी या अवशिष्ट प्रावधान किस सेक्शन में किया गया है। तो आपका जवाब रहेगा 11, यानी कि इसको कहते हैं रेलेवेंसी के बारे में रिजुडियरी सेक्शन। रिजुडियरी सेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बात कहीं सेट न हो रही हो तो उस सेक्शन में आप सेट करेंगे, इसी को रिजुडियरी कहते हैं या अवशिष्ट। और पिछले लेक्चर में कोरिलेट भी किया गया था, फिर एक बार दोहरा लीजिए। जो अगर हम सीपीसी में देखें तो सूट फाइल करने के प्लेस को लेकर जो रिजुडियरी या अवशिष्ट प्रावधान है, पिछली बार यूपीएचजेएस में भी आया था, वह सीपीसी का सेक्शन 20 है। अपील में अगर हम देखें उच्चतम न्यायालय में तो 136 है आर्टिकल, क्योंकि कहीं भी अपील का प्रावधान न हो तो आप एसएलपी दायर कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 136। फिर यूपीजे ने बनाया 142 पर, प्री में भी मेंस में भी, ये भी रिजुडियरी ही प्रावधान है। फिर झारखंड ने क्वेश्चन बनाया था आर्टिकल 248 पर कि जो रिजुडियरी पावर होगा अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होंगी। ये सब हमने आपको कह सकते हैं कि बताया था। दूसरा आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि कई बार बना भी है कि प्ली आप एली बी या अन्यत्र होने का सिद्धांत एविडेंस के किस सेक्शन में समाहित है। तो आपका जवाब रहेगा 11 में। प्ली आप एल बी होता क्या है इसको हम डिटेल में अभी बताएंगे, क्योंकि यहीं से क्या करनी है शुरुआत भी। अगला देखिए, तीसरा, जो ये प्ली आप एल बी होता है ये एक स्पेसिफिक फैक्ट होता है, एक विशिष्ट तथ्य होता है, और इसको प्रूफ करने का दायित्व, सिद्ध करने का भार या बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा। तो जो व्यक्ति न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय प्ली आप एल बी में विश्वास करे, यानी कि अगर ये कहता है न्यायालय से कि जिस समय घटना हुई मैं घटना स्थल से बहुत दूर था अतः मैंने घटना नहीं किया, तो ए को ही ये बात कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी कि वह घटना स्थल से बहुत दूर था। तीसरा पॉइंट आपका, ये हमने बताया था कि सेक्शन 11 को लायर्स पैराडाइज कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर कोई फैक्ट या कोई घटना किसी भी सेक्शन में सुसंगत या रेलेवेंट या उचित न हो तो वकील साहब
उस घटना को सेक्शन 11 में रेलेवेंट बना सकते हैं, यानी कि उस तथ्य को, फैक्ट को एविडेंस के रूप में सेक्शन 11 के तहत प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पर कोरिलेट करके भी आपको पढ़ना है कि संविधान को किसने वकीलों का स्वर्ग कहा था, तो भारतीय संविधान को डॉक्टर जेनिंग्स ने वकीलों का स्वर्ग कहा था, लार्स पैराडाइज। कभी काल इंटरव्यू में ये बन जाता है कि डॉक्टर जेनिंग्स ने ऐसा क्यों कहा, तो बस एक लाइन याद रखना है, संविधान के विस्तृत होने के आधार पर, बहुत बड़ा होने के आधार पर जेनिंग्स ने ये कमेंट या कोटेशन दिया है। अगला देखा जाए, सेक्शन 11 पॉसिबिलिटी या संभावनाओं की भी धारा कही जाती है, यानी कि संभावनाओं को आप एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, किस सेक्शन में कर सकते हैं, 11, ये भी डिटेल में पढ़ना है। आइए सेक्शन 11 के तहत जो सुसंगतता का या रेलेवेंसी का बेस है वह असंगतता है, विपरीतता है या ध्रुव विरोधी होना है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू से इनकंसिस्टेंट हैं, इनकंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि ध्रुव विरोधी हैं, असंगत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, और विपरीतता ऐसी है कि दोनों का एक साथ को एग्जिस्ट होना यानी कि सह अस्तित्व में रहना संभव नहीं है। अर्थात दोनों चीज़ें एक साथ सही नहीं हो सकती। एक उदाहरण सटीक देखा जाए तब सही रहेगा। देखिए एक उदाहरण सटीक बताया जाएगा आगे। एक न्यायालय में ये प्रश्न है कि क्या ये विलेख ए ने लिखा, ये प्रश्न है। एक पार्टी कहती है कि यह विलेख ए ने लिखा। अब ये है कि भाई आपका विपरीत बात इससे साबित कर दी जाए कि हजूर ए को तो लिखना ही नहीं आता, ये तो काला अक्षर भैंस बराबर वाला है, अंगूठा छाप है तो लिखेगा कहाँ से। तो या तो वह लिखने आता होगा या नहीं आता होगा, इन दोनों में किसका आंकड़ा हो गया 36 का, दोनों सही नहीं हो सकते। कौन सही हो सकता है, कल एक। यानी कि सेक्शन 11 के तहत जो असंगत बात है वह सुसंगत हो जाती है, बस एक ही लाइन में है कि वह सुसंगत या विवादक तथ्य से विसंगत हो, यानी कि ध्रुव विरोधी हो। यानी कि अब यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है, ध्रुव विरोधी पर एक दो आपका क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला इंटरव्यू में क्वेश्चन ये बना है, आपका कहानी बनाकर बताया भी गया था कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये क्वेश्चन यूपीजे में एपीओ में पहले दिन ही इंटरव्यू में बन गया था, वो भी आपको सतर्क होकर देखना है। यानी कि कृष्ण भगवान पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने माखन चुरा कर खाया, यानी कि शुद्ध रूप से आईपीसी में थेफ्ट का इल्ज़ाम है या चार्ज है, और वह अपना डिफेंस लेते हैं, बचाव लेते हैं सेक्शन एविडेंस के 11 का, प्ली ऑफ एलिबाई का। अर्थात जिस समय माखन खाने का आरोप मुझ पर है, उस समय मैं गांव में न होकर जंगल में था, अतः मेरे द्वारा माखन खाया जाना एक उल्टी बात है, विपरीत बात है या असंगत बात है, अतः हमने माखन नहीं चुराया न ही खाया। तो और ये 103 के तहत एक स्पेसिफिक फैक्ट है, तो इसको प्रूफ करने का भार अभियुक्त पर ही होगा,
कि वह साबित करे कि उस समय वह कहाँ था, जंगल में। तीन दृष्टियों से देखना है, चोरी का इल्जाम है, फिर प्ली ऑफ एलिबाई का बचाव 11 और प्रूफ करने का दायित्व इन्हीं पर है, तो कौन सा सेक्शन कहता है 103। अगला देखिए, आपका अगला क्वेश्चन ये बनता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ये किस धारा का सिद्धांत है, तो ये सेक्शन 11 का है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही तथ्य दो जगह उपस्थित नहीं हो सकते, यानी कि दो जगह सही नहीं हो सकते। और अभी उदाहरण बताया ही गया, या तो कृष्ण जी वन में होंगे उस समय, या माखन चुरा रहे होंगे, क्या दोनों जगह एक साथ उनकी उपस्थिति संभव है, नहीं। अगला देखिए, आपका विपरीतता का सिद्धांत पूछे। आइए, इस सेक्शन का जो एरिया है वह सबसे व्यापक है। अगर कोई पूछे कि कौन सा सेक्शन ऐसा है एविडेंस की जिसका क्षेत्राधिकार या एरिया सबसे व्यापक है, तो क्या आप क्या मारेंगे, 11। अब क्यों व्यापक हैं, क्यों वाइड हैं, इस बिंदु पर थोड़ा गौर करिए, क्योंकि अधिवक्ता का अब दिमाग जितना तेज चल सकता है उतनी ही बातों को वह सेक्शन 11 के तहत रेलेवेंट बना सकता है। अब जितना विपरीतता दिखा दीजिए उतना ही आप सफल वकील होंगे। अगला देखिए, यानी कि आपका जहाँ तक सेक्शन 11 की बात है, चूँकि पॉसिबिलिटी या संभावनाओं की भी धारा है, अतः सेक्शन 11 के तहत अभियुक्त द्वारा किए गए पूर्ववर्ती कार्यों को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए हम देखते हैं, मान लीजिए ए पर चीटिंग का आरोप है कि ए ने बी के साथ छल किया, साक्ष्य में ये दिखाया जा सकता है कि हजूर ए ने इसके पहले कई लोगों के साथ छल किया था, अतः इस बात की पूरी संभावना है कि ए ने बी के साथ भी क्या किया होगा, छल। याद रखिए, या ये दूसरा उदाहरण देखिए, चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी बातें, फॉल्स एविडेंस में भी हम देख सकते हैं, ए पर आरोप है कि वह न्यायालय में फॉल्स एविडेंस दिया है, तो चूँकि पॉसिबिलिटी दिखानी है, हाई पॉसिबिलिटी, उच्च स्तर की संभावना, तो उसके पूर्ववर्ती माने आचरण को दर्शाया जा सकता है कि हजूर इसके पहले भी कई मामलों में ये फॉल्स एविडेंस दे चुका है, अतः इस बात की संभावना ज़्यादा है कि इस बार भी ये क्या दिया है, फॉल्स एविडेंस। यानी कि एक लाइन फिर हम लास्ट में ये बताएं कि इस सेक्शन के तहत पूर्ववर्ती कार्यों को साक्ष्य में संभावना दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला आपका लास्ट पॉइंट जो सामान्य हम देखते हैं वह ये देखते हैं आपका, तब एक उदाहरण देखेंगे, वह जो लास्ट पॉइंट पूछा जाता है वह ये पूछा जाता है कि कौन सा सेक्शन एविडेंस का सुसंगतता से संबंधित जनरल प्रिंसिपल या साधारण नियम बताता है। तो अगर सामान्य नियम या सुसंगतता से संबंधित जनरल रूल पूछ ले तो आप सेक्शन 11 मारिए। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं बता दूं आपका आ चुका है, और वह जो क्वेश्चन इस प्रकार का आया है वह आपका UPAPO में IPC से आया है। देखिए क्वेश्चन क्या बना है, IPC में क्वेश्चन आपका ये बना था, फिर एक बार बताया जाए कि
पब्लिक न्यूसेंस या लोक न्यूसेंस को दंडित बनाने के लिए जनरल प्रोविजन या साधारण या सामान्य प्रावधान किस सेक्शन में है? तो कल मैं कोरिलेट किया था 290। इस प्रकार आपका एक और विपरीतता पर हमें कोरिलेट करना है और तब एविडेंस एक्ट का सेक्शन 11 का हम बेयर एक्ट तोड़ेंगे। अभी बेयर एक्ट आपका एक और कोरिलेट कर लीजिएगा जो बिहार में पिछली बार पूछा भी गया था, वह कोरिलेट आप कर सकते हैं क्योंकि सेक्शन 11 36 के सिद्धांत पर आधारित है, 36 के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि आपका एक दूसरे का क्या है, ध्रुव विरोधी। अतः जिन सेक्शनों में ध्रुव विरोधी का की बात हो उन सेक्शनों को एक जगह एकत्र कर लिया जाए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बनता है वह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 से पिछली बार बिहार ने बनाया था जे में क्वेश्चन, और वह ये बनाया था कि सेक्शन 10 की विपरीत या ध्रुव विरोधी धारा कौन है, तो सेक्शन 14 यानी कि एसआरए या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 10 बताती है कि किन संविदाओं का, किन कॉन्ट्रैक्टों का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है, जबकि 14 बताएगी, 14 बताती है कि किन संविदाओं का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। तो सेक्शन 10 याद रखना है एसआरए का, और फिर कौन सा 14, ये एक दूसरे के क्या है, ध्रुव विरोधी। ये आपका बिहार जे में आया था, सतर्क रहना है। अब आइए आपका बेयर एक्ट देखा जाए और बेयर एक्ट के बाद इत्यादि बातें बताई जाए। देखिए भाई आपका 11 का बेयर एक्ट निकाल लीजिए। अब सामान्य बातों के बाद बेयर एक्ट पढ़ा जाता है। देखिए हेडिंग पहले देखी जाती है, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है, यानी कि when fact not otherwise relevant become relevant। इसका मतलब ये हुआ, अन्यथा शब्द भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। otherwise का मतलब ये हुआ कि ऐसे तथ्य जो 5 से लेकर 55 तक में कहीं relevant नहीं है, तो वे कब relevant होंगे, उनको कब एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये बातें किस सेक्शन में बताई गई हैं, 11। देखिए इसीलिए इसे अवशिष्ट धारा कहते हैं, कहीं नहीं सेट हो तो कहाँ सेट करेंगे, 11 में। देखिए शब्दशः देखिए, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है तब सुसंगत हैं यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फैक्ट रेलेवेंट तो नहीं है किसी सेक्शन में, तो कब वह रेलेवेंट हो जाएगा, तो कानून ये कहता है कि यदि वह फैक्ट किसी फैक्ट इन इशू यानी कि विवादक तथ्य जिस पर विवाद हो या रेलेवेंट फैक्ट का के असंगत हो। असंगत का मतलब हुआ इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ ध्रुव विरोधी, विपरीत हो, विरोधी हो, विसंगत हो। अर्थात पहला जो पॉइंट आपको मिला वह ये मिला कि जो फालतू तथ्य होते हैं, जो बेकार तथ्य होते हैं, वे बेकार तथ्य भी, वे बेकार घटनाएं भी सेक्शन 11 में रेलेवेंट या सुसंगत हो जाती हैं, लेकिन कब, जब वह विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से क्या हो, असंगत हो, विपरीत हो।
यानी कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से के अगेंस्ट में होना का विरोधी होना क्या विपरीत होना ही सेक्शन 11 में सुसंगतता का आधार है। अब इसको दूसरे एंगल से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य हैं, दूसरी तरफ असंगत तथ्य हैं और दोनों में रिलेशन देखा जाएगा। दोनों में रिलेशन ऐसा है कि दोनों एक साथ सह अस्तित्व में को एग्जिस्ट नहीं रह सकते, या तो विवादक तथ्य सही होगा या विसंगत तथ्य सही होगा, यानी कि या तो सुसंगत तथ्य सही होगा या विसंगत, दोनों एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। अतः ऐसी दशा में सेक्शन 11 के तहत जो फालतू बातें हैं उन फालतू बातों को रेलेवेंट बनाया गया। यही आपका क्रीम या क्रोड इसका है। प्रोफेसर जहां तक, हाँ अब प्ली ऑफ एलिबाई पर आइए। प्ली ऑफ एलिबाई एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है अन्यत्र होने का अभिवाक। अन्यत्र होने का अभिवाक का मतलब ये हुआ कि दूसरी जगह होने का अभिवाक। फिर एक बार आपको बता दिया जाए, अभी ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं आपका, ये फर्स्ट बताया जा रहा है पहला बेयर एक्ट का, अभी दूसरा क्लाज शुरू नहीं किया गया है। जो मैं शुरू किया हूँ वह केवल इतना शुरू किया हूँ, पहला क्लाज जो एक लाइन का हमने बताया, और उसी की आपका क्या करना है 15-20 लाइन व्याख्या। देखिए आपका प्ली ऑफ एलिबाई, अब प्ली ऑफ एलिबी एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दूसरे स्थान पर या अन्यत्र, यानी कि कहीं और। यानी कि जब कोई अभियुक्त या जब कोई व्यक्ति ये न्यायालय में कथन करता है कि जिस समय घटना घटित हुई या कार्य हुआ उस समय वह घटना स्थल से बहुत दूर था, अतः उसके द्वारा उस घटना का किया जाना एक असंगत बात है, विपरीत बात है, या इस बात की पूरी संभावना है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हमने इस घटना को अंजाम नहीं दिया। इसी को एक लाइन में हम क्या कहते हैं, प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में प्रोफेसर, पहले तो एक दो और उदाहरण बताया जाए, तब प्रोफेसर बिगमोर का हम बताते हैं और फिर एक दो और बताते हैं। देखिए ध्यान से, एक उदाहरण हम बता रहे हैं आपका, तब और उसके बाद केस उस बताएंगे। निर्भया कांड का उदाहरण सबसे अच्छा इस समय बताया जा सकता है। निर्भया, निर्भया कांड का सबसे अच्छा उदाहरण है इस पर, आप देख सकते हैं और सभी लोग जानते भी हैं निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था। दो अभियुक्त ऐसे थे जो प्ली या एलिबी का बचाव लिए थे और वो ये कह रहे थे कि हजूर मैं उस बस में, जिस बस में ये कांड हुआ मैं उस दिन नहीं था, बल्कि दिल्ली से मैं क्या था, बाहर। अब ये है कि भाई मेडिकल चेकअप हुआ था अभियुक्तों का और लड़की के नाखून का निशान उन दोनों के शरीर पर पाया गया और जो चिकित्सकीय परीक्षण था कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में ये प्रूफ किया गया
कि चूंकि इन दोनों पर भी लड़की के नाखून के क्या हैं निशान है, डीएनए टेस्ट कराया गया, अतः ये दोनों घटना स्थल पर क्या थे मौजूद। ये बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट आपका, अगर बचाव लिया जाता है तो। अगला देखिए, प्रोफेसर बिगमोर महोदय, फिर एक बार देखिए, प्रोफेसर बिगमोर महोदय पांच ऐसी कंडीशन बताते हैं जहां की इसका बचाव लिया जा सकता है। अब पांच बिगमोर बताते हैं, लेकिन वकील साहब चाहें तो क्या कर सकते हैं, अपना दिमाग लगाकर और भी बातें इसमें ऐड कर देंगे, एक दो बातें एक्स्ट्रा हम भी बताएंगे, लेकिन जो बिगमोर ने पांच चीज़ें बताई हैं उन पांचों को लिखना पड़ता है मेंस में। और एक एक बात समझिए, जो सेक्शन 11 में फालतू तथ्य होते हुए भी सुसंगत होंगे। देखिए, पहला, धर्मजता के मामले में, धर्मजता लिगिटिमेसी के मामले में, यानी कि आपका ये कह सकते हैं कि क्या कोई जो चाइल्ड है उसका फादर कौन है, यानी कि जब किसी चाइल्ड के पिता कौन हैं इस बात पर विवाद हो, तो सबसे पहले इस विवाद का निपटारा किया जाए और तब 11 में इसे ऐड किया जाए। देखिए, धर्मजता का निर्धारण या पितृत्व का निर्धारण, मातृत्व का नहीं, मैं फिर बता दूं, केवल किसका, पितृत्व का, क्योंकि माता चाहे विधवा हो या आपका बिना विवाह की हो, अविवाहित हो या विवाहित हो, जो माता या जो स्त्री अपने गर्भ से शिशु को पैदा करती हैं वह उस शिशु की माता या मदर मानी जाती है। लेकिन विवाद पिता या फादर पर होता है कि कौन इस बच्चे का पिता है, तो पितृत्व का निर्धारण करने के लिए सेक्शन एविडेंस का 112 बना है, जो आगे हम बताएंगे। फिर एक बार 112 देखिए, यदि किसी स्त्री और पुरुष के बीच वैध विवाह हुआ हो, वैध विवाह वैलिड मैरिज, विवाह के कायम रहते हुए यानी कि विवाह के ड्यूरेशन में, या दूसरा हम देख रहे हैं कि डाइवोर्स होने के पश्चात लेकिन स्त्री ने रीमैरिज न की हो, और आपका डाइवोर्स के पश्चात 280 यानी कि 280 दिन के अंदर अगर उस स्त्री को कोई शिशु पैदा होता है तो उसका धर्मज पिता उसका पति माना जाएगा। ये आपका कंक्लूजिव प्रूफ है, अकाट्य तर्क है। लेकिन यह सेक्शन एक एक्सेप्शन भी बताता है, एक बचाव भी बताता है, पहुंच का न होना, यानी कि जिस समय रिलेशन बना होगा पक्षकार ये साबित कर सकते हैं कि उस समय मेरी पहुंच इनके पास नहीं थी। एक उदाहरण देखिए, ए बी विवाहित हैं, बी को शिशु पैदा हुआ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ए कह रहा है कि मैं 5 वर्षों से अमेरिका में था और 2 साल बाद मेरी पत्नी को शिशु पैदा हो गया, अतः जिस समय मेरे और मेरी पत्नी के बीच शारीरिक रिलेशन बना होगा उस समय मेरी पहुंच पत्नी के पास नहीं थी। अब पहुंच पत्नी के पास नहीं थी, यह एक फालतू बात या विसंगत या असंगत या विपरीत बात है, फिर भी ये बात रेलेवेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका विवादक तथ्य और ये बात दोनों में कितने का आंकड़ा हो गया, 36 का, यानी कि या तो वह भारत में होगा तब उसका बच्चा, अमेरिका में है तो कहाँ इसका बच्चा ये है, तो इसलिए अमेरिका में था ये बात आपका
कह सकते हैं कि सेक्शन 11 में क्या होगी रेलेवेंस, ये बिग मोर बताते हैं। दूसरा देखिए उदाहरण, दूसरा प्ली ऑफ एलिबाई अन्यत्र होने का अभिवाद, यानी कि जब अभियुक्त न्यायालय में ये प्ली करता है, अभिवाद किया स्टेटमेंट करता है कि जिस समय घटना घटी है उस समय मैं घटना स्थल पर नहीं था, मैं घटना स्थल से बहुत दूर था, अतः मेरे द्वारा घटना का किया जाना एक असंगत बात है, मैंने ये घटना कारित नहीं की। दृष्टांत तुरंत पकड़ना है इलस्ट्रेशन, पहला दृष्टांत भी इसी पर आधारित है। ए पर आरोप है कि उसने कलकत्ते में बी की हत्या की, और ए यह दिखाता है कि जिस समय और जिस तारीख को मर्डर हुआ उस समय मैं लाहौर में था, तो मैं कलकत्ते में कहाँ से हत्या कर दूंगा, अतः ये शुद्ध रूप से क्या माना जाएगा, प्ली ऑफ एलिबाई। और किस सेक्शन में रेलेवेंट मैं बता रहा हूँ, आपका 11। अगला तीसरा बिग मोर बताते हैं कि जहाँ की मृत व्यक्ति जीवित आ जाता है, यानी कि ध्यान से समझिए क्योंकि ये समस्याएं आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। ए पर आरोप या चार्ज है कि उसने बी की हत्या की, और बी की हत्या के लिए ए का ट्रायल हो रहा है। इसी बीच अब बाद में पता लगता है कि बी तो जिंदा है, मरा ही नहीं, तो अब ए पर इल्ज़ाम है कि उसने बी की हत्या की और बी जिंदा है। ये एक विपरीत बात है कि वह जिंदा है, लेकिन ये विपरीत बात इस विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़ी है कि दोनों का सह अस्तित्व में रहना संभव नहीं, अर्थात दोनों चीज़ें एक साथ सत्य नहीं हो सकती, या तो बी मर गया होगा या बी क्या होगा, जिंदा, दोनों एक साथ संभव नहीं है। अतः बी का जिंदा होना सेक्शन 11 के तहत असंगत होते हुए भी क्या माना गया है, रेलेवेंट। अगला देखिए आपका, अगला ये देखा है बिग मोर महोदय बताते हैं कि अपराध का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाना। ध्यान से उदाहरण समझिए, अब ए पर आरोप है कि उसने बी की हत्या की, अगर ए यह दिखा देता है कि हजूर ये जो अपराध है ये मैंने नहीं किया बल्कि इसे तो सी ने किया, तो इसे सी ने किया एक असंगत बात है, लेकिन ए इस असंगत बात को सेक्शन 11 के तहत क्या बना सकता है, सुसंगत। असंगतता ही सुसंगतता का क्या है 11 में आधार। बिगमोर का पांचवा देखिए पॉइंट, ये क्या कहते हैं 11 पर बिगमोर महोदय, ये कहते हैं कि पीड़ित द्वारा स्वयं को चोट पहुंचाना, यानी कि जिस व्यक्ति के प्रति अफेंस किया गया है, अगर ये प्रूफ कर दिया जाए कि इस व्यक्ति ने तो स्वयं ही अपने को चोट पहुंचाया, तो ये भी सेक्शन 11 में रेलेवेंट होगा। ये तो बिग मोर महोदय ने पांच बताया, लेकिन हम भी अपनी ओर से एक दो बता दें। आपका दस्तावेज के बारे में समस्या उठती है, दस्तावेज के लिखने के बारे में, तो अपने मन से भी एक उदाहरण बताया जाए दो। ए पर अब प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है कोर्ट में कि क्या ए ने यह डॉक्यूमेंट लिखा। एक पक्षकार कह रहा है कि ये लिखावट किसकी है, ए की है। दूसरा पक्षकार दिखा सकता है कि हजूर ए को लिखना ही नहीं आता, तो ये कहाँ से लिखेगा। लिखना नहीं आता एक विपरीत बात है, लेकिन यह लिखा है इस बात पर इफेक्ट डाल सकती है। पर लिखने नहीं आता इसका मतलब ये झूठ है कि यह लिखा है,
दोनों बातें एक साथ अस्तित्व में नहीं हो सकती। इसीलिए आपका कह सकते हैं कि लिखने नहीं आता। ये जो तथ्य हैं, यह किस सेक्शन के तहत रेलेवेंट होगा? 11। ये आपका पहला पॉइंट बताया गया। दूसरा पॉइंट देखिए तो आगे बढ़ा जाए। पहले पॉइंट में केस याद रखे, वो पूछा जाता है, मैंने केस नहीं, अभी आपका दृष्टांत, कलकत्ते में अपराध किया और दिखा रहा है कि उस समय वह कहाँ था, लाहौर में। तो सेक्शन 11 में प्ली ऑफ एलिबाई के तहत वह क्या होगा? रेलेवेंट। ये दृष्टांत जरूर याद रखे, पहला ही है 11 का। आगे देखा जाए, आपका पॉसिबिलिटी को दिखाया जाए, तब दो तीन केस बताया जाए। देखिए पॉसिबिलिटी, देखिए भाई आगे दूसरा खंड क्या कहता है। यदि वे स्वयमेव, स्वयमेव यानी कि स्वयं, यानी कि स्वयं अकेले, स्वयं मतलब क्या, अकेले, जैसे कहा जाता है ना, एक बिहारी सब पे भारी, तो उसी प्रकार अकेले, जैसे इस समय अफगानिस्तान का भी ले सकते हैं, एक तालिबान अमेरिका और अफगानिस्तान पर क्या पड़ रहा है, भारी, और बहुत तेजी से आपका भारी पड़ रहा है। अमेरिका भी सोच, अमेरिका भी ध्वस्त होता जा रहा है, वहाँ की सरकार तो होती ही जा रही है। और जो मानवाधिकार के लिए, जो मानवाधिकार वाले लोग हैं, वो भी शांत बैठे हैं। पर जीते हारे कोई भी, लेकिन मानवाधिकार का क्या होना चाहिए? सम्मान। वो अलग बात है कि क्या जीते कौन हारे, वो तो भाई राजनीतिक मुद्दा है। देखिए आपका यदि वे स्वयमेव माने सेल्फ, सेल्फ मतलब क्या, स्वयं, स्वयं मतलब क्या हुआ, अकेले, किसी के साथ नहीं, या अन्य तथ्यों के संसंग, संसंग का मतलब हुआ अन्य बातों से कोरिलेट होकर, कनेक्ट होकर, संसंग ना आए तो लिख लेना है भाई बैरक पर, संसंग या संसर्ग मतलब क्या हुआ, कनेक्ट, कनेक्ट होकर मतलब जोड़कर, भाई याद रखिए, कनेक्ट होकर मतलब क्या, जुड़कर, यानी कि कोई तथ्य अकेले या अन्य तथ्यों से जुड़कर क्या कर रहा है, किसी विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इन इशू या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व, अस्तित्व मने एग्जिस्ट होना, एग्जिस्ट होना मने मौजूद होना, या अनस्तित्व नॉन एग्जिस्ट यानी कि आपका अनस्तित्व मौजूद न होना, अत्यंत अधिसंभाव्य यानी कि आपका अत्यंत अधिसंभाव्य मतलब सामान्य पॉसिबिलिटी से ज़्यादा, सामान्य पॉसिबिलिटी नहीं, हाई पॉसिबिलिटी, या अत्यंत अनधिसंभाव्य यानी कि हाई नॉन पॉसिबिलिटी, इस हाई नॉन पॉसिबिलिटी बनाते हैं। इसका पहले मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि कोई तथ्य है या तो एकलौता तथ्य है या अन्य तथ्यों से कनेक्ट है, और किसी रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू के अस्तित्व को, अस्तित्व मतलब उसके मौजूद होने को अत्यंत अधिसंभाव्य बनाता है, यानी कि पूरी संभावना व्यक्त करता है कि यह मौजूद तथ्य होगा, या अत्यंत अनधिसंभाव्य बनाता है यानी कि हाई या पूरी संभावना ये प्रकट करता है कि यह तथ्य मौजूद नहीं होगा। तो ऐसे सारे तथ्य सेक्शन 11 के तहत क्या हैं? रेलेवेंट हैं। याद रखिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी विवादित या सुसंगत तथ्य के मौजूद होने या न मौजूद होने के लिए जो भी तथ्य अत्यंत अधिक संभावना व्यक्त करते हैं कि ये होगा, या अत्यंत अधिक अनधिसंभावना यानी कि ये बात सही नहीं होगी, तो वे बातें भी किस सेक्शन में रेलेवेंट हैं? आपका 11। पहले
दृष्टांत बेरेट का पकड़ा जाता है और बेरेट का पकड़ कर और तब आपका केस और इत्यादि बताया जाता है। देखिए भाई, अब दोनों दृष्टांत पहले बताया जाए तब आगे बढ़ा जाए। देखिए, प्रश्न यह है कि क्या कोने अमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया? यह फैक्ट कि वह इस दिन लाहौर में था सुसंगत है। ये इतना जो शब्द है ये शुद्ध रूप से पहले खंड में आता है। क्यों? क्योंकि ये विवादक तथ्य से क्या है, असंगत है। इतना जो बात है ये प्ली आप एलिबाई शुद्ध रूप से कहा जाएगा। इसी दृष्टांत में अगला पॉइंट देखना है। जो इसी दृष्टांत में जो अगला पॉइंट है वह आपका शुद्ध रूप से संभावना पर आधारित है। देखिए, पॉसिबिलिटी पर। यह तथ्य कि जब अपराध किया गया था उस समय के लगभग को उस स्थान से जहाँ कि वह अपराध किया गया था इतनी दूरी पर था कि को द्वारा उस अपराध का किया जाना यदि असंभव नहीं तो अत्यंत अनधिसंभाव्य था। इसका मतलब ये था कि ये लाहौर में तो नहीं था लेकिन घटना स्थल से इतनी दूर था कि उसका मैंने अपराध किया जाना विपरीत बात भले न हो लेकिन इस बात की पूरी संभावना है, हाई पॉसिबिलिटी है कि वह इतना दूर था कि उसने अपराध नहीं किया। तो बताइए आप लोग किस क्लाज में ये गवर्न करेंगे, पहले कि दूसरे बेरेक में? दूसरे, क्योंकि संभावनाओं को कहाँ दिखाया जाता है, दूसरे। दूसरा दृष्टांत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी पर ही, हाई पॉसिबिलिटी पर आधारित है। देखिए दूसरा प्रश्न यह है कि क्या कौन ने अपराध किया? परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अपराध को ख या घ में से किसी एक द्वारा अवश्य किया गया होगा। यह हर तत्व जिससे यह दर्शित होता है कि वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता था और वह ख ग या घ में से किसी के द्वारा नहीं किया गया था रेलेवेंट है। अब देखिए उदाहरण क्या कहता है। ए बी सी डी चार लोग हैं, अब चारों में से कोई एक अपराध किया है ये निकालना है। तो कानून ये कहता है कि वे परिस्थितियां जिससे इस बात की पूरी संभावना हो कि बी ने भी अपराध नहीं किया, सी ने भी नहीं किया और किसने नहीं किया, डी ने, क्या एविडेंस में प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अगर हम दिखा दें कि ये पूरी संभावना है कि नोतीत ये तीनों अपराध नहीं किए तो बचा कौन, एक, यानी कि पूरी अब संभावना किस पर हो गई कि ये किया होगा, ए पर। अब आइए आपका केस के माध्यम से देखा जाए भाई, कम से कम आपका दो या तीन केस आपको याद करने पड़ेंगे। आइए केस देखा जाए जो प्री में बनता है, यदुनाथ मलिक का बनता है। यदुनाथ भाई याद रखिए, काफ़ी क्वेश्चन बना। यदुनाथ मलिक ये केस जे में और एपीओ में आ चुका है। यदुनाथ का किस सेक्शन से रिलेटेड है देखिए आपका ये देखा जाए। केस अगला देखा जाए, सत्ता सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। सत्ता सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, देखिए इसमें क्या हुआ था। एक गवाह आया गवाही देने और ये कहा कि हजूर गोली अभियुक्त ने 25 मीटर दूर से चलाई थी। ये गवाही दिया। जिस लाश का पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया था वह अपनी
विशेषज्ञ की रिपोर्ट दिया एक्सपर्ट ओपिनियन और कहा कि गोली 1 मीटर से मारी गई होगी। तो ऐसी दशा में दोनों में क्या हो गया, कंट्राडिक्शन, या तो गोली 1 मीटर से मारी गई होगी या कितना से, 25 मीटर से। तो जो डॉक्टर की ये रिपोर्ट है कंट्राडिक्शन या विपरीत होने के कारण क्या हो जाएगी, सुसंगत, किस सेक्शन में हो जाएगी, 11। अगला केस देखिए आपका, मुंशी प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। मुंशी प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2001 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, काफी अच्छा केस है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि यदि कोई अभियुक्त ये प्ली करता है, अभिवचन करता है कि वह घटना स्थल से बहुत दूर था, तो ऐसा अभिवचन प्ली ऑफ एलिबाई माना जाएगा और अभियुक्त को ही यह बात साबित करनी पड़ेगी कि वह घटना स्थल से इतना दूर था कि उसके द्वारा घटना का किया जाना एक असंगत बात है या पूरी संभावना है कि उसने घटना को अंजाम नहीं दिया। लेकिन भी लगाना है। अब अभियुक्त को ये बात प्रूफ करनी होगी और अगर अभियुक्त इतना ही दूरी पेश करता है कि उतने समय में वह आसानी से घटना स्थल पर आ सकता है तो ये बात स्वीकार नहीं की जाएगी। मान लीजिए प्रयागराज है, कोई अभियुक्त नैनी में है और प्रयागराज में घटना हुई, तो 15 मिनट में वह प्रयागराज क्या हो सकता है, पहुंच सकता है, तो ये उसकी बातें स्वीकार नहीं की जाएगी। हाँ, हम बहुत दूर थे, देखिए इसके लिए तमाम एविडेंस इस समय है, वह पत्र वहाँ से लिखा था, जाकर पत्र छोड़ा था, किसी अफसर से मिल रहा था, मुख्यमंत्री से उस समय मिल रहा था, पीएम से मिल रहा था, सीसीटीवी कैमरे में टाइमिंग और डेट रिकॉर्ड है कि हजूर ये घटना स्थल पर न होकर कहाँ था, किसी वरिष्ठ अधिकारी से या किसी व्यक्ति से उस समय क्या हो रहा था, मिल रहा था, यानी कि जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं बातें या जो फुटेज रिकॉर्ड हुई हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है 11 के लिए, क्योंकि अगर आप दूसरी जगह हैं तो सीसीटीवी कैमरे में समय भी चलता रहता है, दिन भी, तो आप दिखा सकते हैं कि हजूर देख लीजिए हम यहीं थे। अब जैसे कि आपका झारखंड का धनबाद का केस ले सकते हैं, जहां कि एक जज की ऑटो वाले ने लड़ाकर मृत्यु कारित कर दी, वीडियो देखने से प्राइमा फेसाई ये स्पष्ट लग रहा है कि ये जानबूझकर मारा गया होगा, क्योंकि भाई आपका देख वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है, टीवी में भी आ रहा है कि दूसरी लेन में ऑटो जा रहा है और जब आदमी को देखता है तो अपनी लेन चेंज करता है, आदमी को धक्का मारकर फिर अपनी लेन में आ जाता है। तो भाई जब ये आप एक क्रम से चल रहे हैं तो अचानक लेन कैसे परिवर्तित कर लिए, और अभियुक्त कह रहे हैं कि हम शराब पिए थे और शराब के नशे में हमने मार दिया, ये भी हो सकता है भाई, कई संभावनाएं बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब पुलिस वाले सीबीआई वाले क्या करेंगे, उनका नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट सब कराएंगे और दूध का दूध और क्या निकलेगा, पानी का पानी, वास्तव में कोई मरवाया है कि ये शराब के नशे में वह वही लूटने के लिए ठोक दिए। अब ये आपका जो इस समय वैज्ञानिक परीक्षण है अब उसी से राज खुलेगा, और दोनों अभियुक्त वैज्ञानिक परीक्षण के लिए रजामंद हो गए हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का केस है और केस ये है कि बिना सहमत के आपका
वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हो सकता। इस प्रकार आपका प्ली ऑफ एलिबाई में समाप्त होता है। आपका एक केस और है, उसको भी बता दिया जाए ताकि कल से आपका नया सेक्शन भी चला जाए। एक केस और लिख लीजिए भाई। स्टेट ऑफ यूपी बनाम सुगर सिंह, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज सुघर, सुघर सिंह, AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट। फिर वही बात सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई। फिर एक बार देखिए, स्टेट ऑफ यूपी बनाम सुघर सिंह। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्ली ऑफ एलिबाई का अभियुक्त बचाव ले रहा है तो उसे ये दर्शाना पड़ेगा कि हम इतना दूर थे कि किसी भी अवस्था में घटना स्थल पर वहाँ से पहुँच नहीं पाते। अब जैसे कि नैनी में है और सिविल लाइन में अपराध हुआ प्रयागराज में, तो इतना में तो 15 मिनट में क्या होगा, तब प्ली ऑफ एलिबाई का बचाव। अब ये कहे कि हम उस समय तो दिल्ली में थे, बनारस में थे, तब तो कुछ सोचा जाए। तो इस प्रकार आपका सेक्शन 11 की बातें समाप्त होती हैं। और फिर आपका मैंने जुरिस्प्रूडेंस की क्लास अभी 10 मिनट बाद